हाय गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सो गाइज, बात करने जा रहे हैं बीओ की परीक्षा या पेपर के बारे में कि बहुत दिनों से एक बहुत ज़्यादा बात स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही है कि पेपर होगा कि नहीं होगा। कि 18 मार्च विभिन्न के साथ में बात बता रहा हूँ मैं कि बीओ की परीक्षा जो स्थगित वाली बात थी वो उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक है 99% परीक्षा स्थगित होने वाली है और चांस भी हैं पूरे पूरे। लेकिन UPSC का इसी के साथ में बहुत बड़ा बयान आ रहा है, जल्द होगा निर्णय और निर्णय भी ऑफिशियल नोटिस भी जल्दी जारी हो जाएगा। उसके न्यूज़पेपर में क्या कटिंग आती है तो उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोगों को पता चल पाए कि परीक्षा स्थगित होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर चलते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, दैनिक जागरण की न्यूज़ है। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बीओ भर्ती पीछे हटने को तैयार नहीं है आयोग। UPSC में नोडल अफसरों की बैठक, कहा परीक्षा के दौरान संक्रमण से निपटने की तैयारी है पूरी पूरी। तो यहाँ पर जानकारी बहुत विशेष मिल रही है कि अभ्यर्थियों ने परीक्षा स्थगित कराने के लिए CM को भेजा पत्र। यहाँ पर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई है कि परीक्षा को स्थगित कराया जाए इस कोरोना वायरस को देखते हुए, क्योंकि लाइफ सेफ है तो सब कुछ सेफ है। और लेकिन आयोग ने अभी तक नहीं जारी किया है, तो जारी हो सकती है एडवाइजरी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग BO भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए बुधवार को एडवाइजरी जारी कर सकता है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या करें और क्या ना करें, इस संबंध में आयोग अपनी वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए एडवाइजरी जारी करने की तैयारी कर रहा है। तो जो UPSC है, UPSC अपनी साइट पर एडवाइजरी जारी करेगा कि जो परीक्षा हॉल में किस तरीके से बैठना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो वो अभी तक कैंसिल करने के मूड में नहीं है UPSC। और अभी जो पेपर कैंसिल होने की बात है तो ये हमेशा, और अब तो एक ही रीज़न है कि अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तभी भर्ती कैंसिल हो सकती है, या फिर UPSC के थ्रू अभी तक स्पष्ट मना कर दिया गया है कि कोई भी पेपर टाला नहीं जाएगा। उसकी एडवाइजरी है कोरोना वायरस से लड़ने की या उनसे सावधानियां बरतने की, उनको हम सभी पूर्ति करेंगे। तो प्रदेश सरकार में भले ही कोरोना वायरस के मद्देनज़र प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC की ओर से 22 मार्च को प्रस्तावित खंड शिक्षा अधिकारी BO भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन की तैयारी हो अंतिम रूप दे दिया गया है। मंगलवार को आयोग ने उन 18 जिलों के नोडल अफसरों की बैठक की आयोजित की गई जहां परीक्षाएं होनी है। इस दौरान नोडल अफसरों को परीक्षा केंद्रों में सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था करने की दिशा निर्देश दिए गए हैं। उधर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर परीक्षा टालने की मांग की है। BO के 2309 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 22 मार्च को उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में आयोजित की जानी है। प्रत्येक जिले में ADM स्तर के अफसरों को नोडल अफसर नियुक्त किया जाना है। मंगलवार को सभी 18 जिलों के नोडल अफसरों को और आयोगों के अफसरों की बैठक हुई है। इस दौरान कोरोना वायरस को लेकर भी चर्चा हुई। नोडल अफसरों से कहा गया है कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा केंद्रों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी जरूरी एहतियात बरतनी जाए। हालांकि प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित किए जाने का आदेश दिया है, लेकिन आयोग जिस तरह से तैयारी कर रहा है उसे देखते हुए BO की परीक्षा टाली जाने के आसार कम लग रहे हैं। हालांकि चर्चा यह भी चल रही है कि आयोग को सरकार की ओर से लिखित रूप से दिशा निर्देश जारी होने का इंतजार कर रहा है। अगर शासन स्तर से अलग से कोई निर्देश जारी किए जाते हैं तो आयोग इस पर विचार कर सकता है। उधर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर BO की भर्ती परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह का कहना है कि अगर प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित करने का आदेश दिया है तो आयोग को इस आदेश का पालन करना चाहिए। इस परीक्षा में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आयोग का अगर यही रवैया रहा तो अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मतलब कि आयोग अभी तक मानने को तैयार नहीं है। जैसे जिस तरीके से स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं, एडवाइज जारी कर दिया गया है, ताजमहल बंद कर दिया गया है, और पब्लिक प्लेसों पर भीड़ लगाना वो भी बना कर दिया है, संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है, सारी परीक्षाएँ स्थगित कर दी, DL की परीक्षा स्थगित कर दी है, प्राचार्य भर्ती पर असमंजस है उस पर भी, और प्राथमिक स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर में 1 to 8 वाले जितने भी बच्चे हैं सभी को विद ग्रेस पास कर दिया, प्रोन्नति करने की बात कर दी गई, अगली क्लास में प्रवेश दिया जाएगा बिना परीक्षा के। तो बहुत ज़्यादा ही देख सकते हैं, बुंदेलखंडी यूनिवर्सिटी है उसमें भी परीक्षा स्थगित कर दी गई है।
और राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, इसमें अभी तो सारी परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं। और सभी जैसे कि कल कॉन्फ्रेंस में कहा था श्रीकांत शर्मा ने कल कि प्रतियोगी परीक्षा रद्द होंगी, तो सभी परीक्षाओं को देखते हुए कि अभी असमंजस बना हुआ है यूपीएससी का, जब तक यूपीएससी के पास स्पेशल नोटिस नहीं आता तब तक वो परीक्षा निरस्त नहीं करेगी। तो मेरा सभी का कहना यही है, तैयारी अपनी करते रहें, लेकिन पेपर जहाँ तक है 99% स्थगित हो जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी करते रहें। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ऑफिशियली नोटिस नहीं आ जाए आप लोगों के सामने, जब तक कोई कुछ कहना मुश्किल है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।